हाय फ्रेंड्स, अगर आपको पनीर पसंद है और चाइनीज़ भी पसंद है तो ये परफेक्ट रेसिपी हो सकती है दोनों के कॉम्बिनेशन की, क्योंकि ये है इंडो चाइनीज़ का अमेजिंग कॉम्बिनेशन ड्रैगन पनीर। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको बनाना। घर में ही रेस्टोरेंट जैसा आप ड्रैगन पनीर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, जो मैं आज आपके साथ करूँगी शेयर। अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि पनीर का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे को पर्सनली बड़े बड़े पीसेस पनीर के पसंद है। आपको नहीं पसंद है तो आप छोटे पीसेस काट कर भी इसको बना सकते हैं, पर बहुत छोटे पीसेस ना करें, क्योंकि फिर जब आप उसको कोट करेंगे कॉर्नफ्लावर में तो वो टूटने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम पनीर लिया, जिसके बड़े बड़े इस तरीके से मैंने पीसेस कट करें। आप 250 ग्राम से भी इसको बना सकते हैं और इसका दो भाग भी कर सकते हैं, जो मैंने एक लिया है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है क्या शेप और साइज़ रखना चाहते हैं आप, पर बहुत छोटे पीसेस इसमें आपको नहीं करने हैं। अब तैयार करते हैं इसका बैटर, जिसके लिए आधा कप लिया है मैंने ये कॉर्नफ्लावर, जिसके अंदर हम डालेंगे ये 1/3 कप मैदा, नमक, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर, और अब इस सबको मिक्स कर देंगे। अब हल्का हल्का पानी इसमें डालकर एक स्मूथ सा बैटर बनाना है हमको। बहुत थिक बैटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा रनी होना चाहिए, लेकिन इतना लिक्विड ना कर लें आप, इतना कंसिस्टेंसी उसकी लूज़ ना कर लें कि कोट ना हो पाए पनीर के पीसेस पे। तो ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, ये देखिए इस तरीके का रनी बैटर है, लेकिन ये ईजिली कोट होगा पनीर पर, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे पनीर के पीसेस को कोट करके हमें करना है डीप फ्राई। तेल को अच्छा तेज़ गर्म कर लेना है आपको, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम ये सारे पीसेस को करेंगे फ्राई इन बैचेस, मतलब कि एक साथ सारे पनीर को हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आधा किलो पनीर है ये, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर करके फ्राई करेंगे तीन बैचेस में। तो बस फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने, और अच्छे तेज़ तेल गर्म में इसको आपको फ्राई करना है। और जैसे ये कोटिंग जो है, ये देखिए इस तरीके से एक दो मिनट आप पकाएंगे तो देखेंगे कोटिंग जो है इस पर चिपक जाएगी। तब आप इसको उलट पलट करके चारों तरफ से जब तक ये अच्छा गोल्डन ना हो जाए तब तक पकाएं, और उसके बाद निकाल लें। तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से कोटिंग इस पर आ गई है। तो बस इस तरीके से अब हम इसको निकाल कर रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल में ज़रा सा भी बैटर जो है, थोड़े थोड़े बैटर के रेशे ज़रूर हैं, लेकिन बैटर निकल के किसी भी पनीर का तेल में नहीं आया है। तो इस तरीके का ये बैटर हमें प्रिपेयर करना है, और अब मैंने दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए इसमें डाल दिया है, और इसी तरीके से सारे पनीर को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पनीर जो है हमारा एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है, एक तरीके से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पनीर। अगर आप बनाना चाहते हैं, ये एक स्नैक भी रेसिपी है, आप इसको भी एज इट इज़ सर्व भी कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरीके से सिंपल बनाएं तो थोड़ा स्पाइसी आपको इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी हम इसको कम स्पाइसी इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इसे बाद में सॉसेज में कोट करेंगे। तो एकदम कुरकुरा करारा सा ही हमारा पनीर तैयार है, और ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट पनीर और बाहर की कोटिंग बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। अब 2 से 3 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया मैंने, जिसमें 4-5 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियों को करेंगे स्टर फ्राई, जिसके साथ डालेंगे इसमें कश्मीरी रेड चिलीज इस्तेमाल करी है मैंने यहाँ पर। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिलीज़ होल नहीं है तो आप रेगुलर जो लॉन्ग होल रेड चिलीज़ आती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 कश्मीरी रेड चिलीज़ को बीच में से दो भाग करके डाल दिया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे काजू। तो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, मैंने 8 से 10 यहाँ पर काजू लिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अब इसके अंदर डालेंगे 1.5 मीडियम साइज़ की रफली स्लाइस की हुई प्याज। अब प्याज को भी हम लगातार चलाते हुए स्टर फ्राई करेंगे, और फ्लेम अब हम हाई रखेंगे क्योंकि हम लगातार चीज़ों को स्टर फ्राई करते जाएंगे, जैसे कि पहले भी हम प्याज स्टर फ्राई कर रहे हैं कुछ 1-1.5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते जाएंगे और हाई फ्लेम पे ही लगातार चीज़ों को स्टर फ्राई करते जाएंगे, यूजुअली जैसा चाइनीज़ रेसिपीज़ में या इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ में होता है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच रेड चिली पेस्ट, और इसको भी इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें वेजीज, जिसमें मैंने 3 अलग अलग तरीके की बेल पेपर का इस्तेमाल करा है, ग्रीन, रेड और येलो, और बस उनको भी काट कर इसमें हमने डाल दिया है।
तो अब भी फ्लेम इसको हाई रखना है और इसको स्टर फ्राई करना है 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्रंची रहते हैं वेजीज तो अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1/4 कप टमाटो केचप का, और उसके साथ साथ हमने डाली है 2 टेबलस्पून चिली सॉस, और साथ में इसमें डाल रहे हैं हम 1.5 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। तो अगर आपको अपनी इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ का कलर थोड़ा सा रेड पसंद है, रेडिश आए कलर, तो आप सोया सॉस थोड़ा कम इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर डाल दिए हमने 2 चम्मच शुगर के, और इसको मिक्स कर लिया है। और अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार है सब चीज़, एकदम सॉस हमारी थिक नज़र आ रही है, वेजीज भी हमारे बिल्कुल परफेक्टली कुक नज़र आ रहे हैं। तो अब इस टाइम इसमें हम डालेंगे जो पनीर हमारा हमने फ्राई करके तैयार करा था। तो ये आप देख सकते हैं पनीर अभी भी हमारा बिल्कुल क्रिस्पी है, और अब इसको हॉट सॉस में हम कोट करेंगे। तो ये जो कोटिंग होती है ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है, तो ये ध्यान रखिए आप पनीर डालने के बाद एकदम से इसको गैस को बंद ना करें। ये कोटिंग हल्की सी जब सॉसेज में कोट होकर सॉफ्ट हो जाती है तभी इसका परफेक्ट टेस्ट आता है। तो बस आप इसको 2-3 मिनट इस तरीके से अच्छे से पकाएं सारे वेजीज के साथ। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट ड्रैगन पनीर घर पे ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो चुका है। पनीर की इससे अच्छी चाइनीज़ रेसिपी नहीं हो सकती, आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगी ये बात। गर्मा गर्म अब इसको करेंगे हम प्लेट आउट। तो ये मैंने सर्व कर दिया है ड्रैगन पनीर, तो ये आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी लाजवाब बनकर आई है ये रेसिपी। सॉस में कोटेड पनीर प्लस स्टर फ्राई वेजीज, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन पनीर रेसिपी का नहीं हो सकता। इसे बनाएं और ट्राई करें ये रेसिपी, और अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। आई एम श्योर आप इसे ट्राई करेंगे तो आप बहुत पसंद करेंगे, ये इस तरीके की रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।